नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज बर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। जनपद अम्बेडकर नगर में पहुंचे बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि भाजपा में नकली भक्त है, न ये राम के भक्त है, न हनुमान के। सब चुनाव की नैया पार लगाने के लिए राम और हनुमान के नकली पुजारी बन जाते हैं, इसलिए आइए NDIA को मजबूत करने और भाजपा युक्त भारत बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का अम्बेडकर नगर सीट चुनाव लड़ने की अटकलें और तेज हो गई हैं। जनपद मुख्यालय सर्किट हाउस में चैनल से बात करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा में नकली भक्त हैं, ये राम के न हनुमान के हैं। सब चुनाव की नैया पार लगाने के लिए राम का हनुमान का नकली पुजारी बन जाते हैं। यही नहीं, यहाँ तो साधु संत हैं, मठ के मठाधी से वो अब चुनाव लड़ रहे हैं तो हम तो लड़ेंगे। जाति जनगणना के मामले पर कहा कि बाबा साहब का जो संविधान हमारे हैं उसके अनुसार काम नहीं करने देना चाहती है, इसलिए जाति आधार पर जनगणना की डिमांड पूरे देश में चल रहा है, हर राज्य को करना भी पड़ेगा। 2024 में नीतीश कुमार अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ें, लेकिन इस पर समय से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं है। और 2024 का जो हमारा लक्ष्य है, मिशन है, संकल्प है कि भाजपा मुक्त भारत बनाने का उस अभियान को तेजी से चलाना है और 2024 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अम्बेडकर नगर लड़ने की तैयारी चल रही है? तो देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, चर्चा अभी तो जो काम है संगठन का काम है, अभी जो काम है दस्ता अभियान का काम है, अभी जो काम है कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है, कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए दिल से, मन से, धन से, सब तरह से उनको तैयार करना है। इस काम में क्या रहे, देखिए, ये भगवान के नकली भक्त हैं, न ही राम के भक्त हैं, न हनुमान के भक्त हैं, किसी देवी देवताओं के भक्त नहीं है। ये सिर्फ चुनाव की नैया पार लगाने के लिए राम का, हनुमान का और जितनी देवी देवताएं हैं उनकी नकली पुजारी ये बन जाते हैं। हाँ, तो साधु जो संत हैं, जो मठ के मठाधीश हैं, वो चुनाव अब लड़ रहे हैं। हम लोग तो सामाजिक राजनीति जीवन में हैं और हमारा जो काम है गरीबों की खिदमत करना, गरीबों के लिए संघर्ष करना, गरीबों के लिए आवाज़ उठाना, उनको न्याय दिलाना, संविधान की रक्षा करना, ये काम तो हमारी प्रायोरिटी का है, तो ये काम क्यों हम लोग नहीं करेंगे। हम भी लोग तो इसके मुख्य आकर्षण के भी केंद्र हैं और मुख्य काम करने वाले लोग हैं, तो हम लोग तो चुनाव लड़ेंगे और बाबा साहब के जो संविधान हमारे हैं उसके अनुसार ये काम नहीं करने देना चाहती, इसलिए जाति आधारित करना को रोकना चाहती है। ये तो डिमांड जो है पूरे अब देश में चल पड़ा है, चाहे अनचाहे हर राज्यों को करना पड़ेगा, देश को करना पड़ेगा, ताकि जो इतने दिनों से उपेक्षित हैं, इतने दिनों से जिनको हक नहीं मिला है, इतने दिनों से जिनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला है, वो ये सवाल को उठा रहे हैं और ये सवाल को मानना पड़ेगा। आजमगढ़ जिले में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने पूर्वांचल के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में पूर्वांचल में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया है। जिन जिलों में संगठन कमजोर है वहां उस पर चर्चा की गई, जिसके साथ ही सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा गया है, जिसमें पार्टी का संगठन मजबूत हो और आने वाले चुनाव में इसका फायदा भी पार्टी को मिल सके। आज जो समीक्षा बैठक हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारे पूर्वांचल के तमाम जो जिले हैं उस जिले के पदाधिकारियों को हमने बुलाया है और हम अपने संगठन का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि हमारा संगठन कहां तक पहुंचा, और साथ ही साथ हमारे जो पूर्वांचल के स्टेट बॉडी के लोग हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि काम में और तेजी लाई जाए और संगठन के काम को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। आगामी चुनाव भी आ गया है, किस तरह से आप लोग भागीदारी करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, अब चुनाव उत्तर प्रदेश में लोकसभा का लड़ना लड़ेंगे तो तय है, अब कितनी सीटों पे लड़ना है इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, इसके बाद हम करेंगे। हम तो तैयार हैं पूरे प्रदेश में लड़ने के लिए, लेकिन अब नेशनल प्रेसिडेंट का जैसा फैसला होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। आज इस बैठक में क्या संदेश दिया गया लोगों को? नहीं, अभी तो बैठक चल रही है, लोगों से जायजा लिया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है लोगों की,
और बाकी काम में तेजी लाने के लिए कहा जाएगा, डोर टू डोर जाने के लिए कहा जाएगा, लोगों को ये कहा जाएगा कि आप जितने भी वंचित समाज के लोग हैं उनको अपनी पार्टी से जोड़िए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मिशन है दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को लेकर तो इसमें पूर्वांचल के ही लोग हैं सिर्फ, इसमें जो पूर्वांचल में जो जिले आते हैं उस जिले के लोग हैं, एक दो जिले के लोग नहीं आ पाए कुछ प्रॉब्लम उनके साथ थी और दूर के थे, जैसे बलरामपुर नहीं आया है तो हमारे वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है जिस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। इसलिए वहाँ की बॉडी को देखिए अभी संत कबीर नगर के जिलाध्यक्ष नहीं आए, काम नहीं कर रहे, वो बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है। वहाँ पे जिलाध्यक्ष की नियुक्ति चूंकि पहले से लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। ठीक। थाना क्षेत्र के बसहिया गांव में 29 जुलाई 2023 को रास्ते के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई थी। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 4 नामजद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था जिसमें 3 अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया था। सिर पर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल अरुण कुमार पुत्र खड़वान जिनकी उम्र 42 वर्ष है लगभग इसी दौरान उनकी मौत हो गई। मौत होने के उपरांत परिजनों ने सोमवार को बढ़िया मार्ग पर सौरक कर जाम लगा दिया और अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा उसके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अतरौलिया परमेंद्र कुमार सिंह, तहसीलदार अभिषेक सिंह, क्षेत्राधिकारी महेंद्र प्रसाद शुक्ला तथा कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची, परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगी। परिजनों की मांग थी कि फरार अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वह अभियुक्त के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया जाए, साथ ही रास्ते के विवाद का त्वरित निस्तारण किया जाए। क्षेत्राधिकारी व तहसीलदार ने किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया और मौजूदगी में ही शव को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। तहसीलदार अभिषेक सिंह ने बताया कि परिजनों को का रास्ते का विवाद तथा लाइसेंस बंदूक के निस्तारीकरण की मांग है। पीड़ित और विपक्ष के मुकदमे के दौरान समझौता भी हुआ है। जल्द ही राजस्व टीम का गठन कर रास्ते के विवाद का सीमांकन कर मामले का निस्तारण किया जाएगा। क्षेत्राधिकारी महेंद्र प्रसाद शुक्ला ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी और बंदूक के लाइसेंस का निस्तारीकरण तथा विवादित जमीन के निस्तारण की मांग थी जिसमें तहसीलदार द्वारा टीम गठित कर जमीन का निस्तारण और जल्द ही फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। वही जांच कर शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आइए सुनते हैं कि परिजन विजय स्मारिका व समाज सेवक राम बिशन विनायकर ने क्या कुछ कहा। क्या घटना हुई उसके बारे में बताइए। जो जमीन को लेकर विवाद था, रास्ते के लिए विवाद था, चाचा को हमारे लोग कुछ ज्यादा मार दिए जिसकी वजह किस वजह से मारपीट हुई है वो रास्ते के लिए। रास्ते के लेकर जी। अच्छा, तो अभी मौके पे क्या दादा की मौत हो गई या पिताजी की मौत? किसकी मौत हो गई है? उनकी मौत हो गई है। तो मौके पे प्रशासन, मौके पे SDM, तहसीलदार, CO साहब भी आए थे, उन्होंने क्या कहा? आप लोग की क्या मांग थी? जो संबंधित मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है और उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जमीनी समस्या का निस्तारण करने की बात कही है और सभी मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कराने की आश्वासन दिया है हमें और हम परिवार वाले इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि सभी मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और हमें न्याय मिले। आप लोग प्रशासन आए तो उससे संतुष्ट हैं? जी, हुआ था किसी कार्य से और मुझे सूचना मिली कि जो 28-29 तारीख को जो विवाद हुआ था उसमें बंटी नाम के व्यक्ति जो थे उनको जो गंभीर चोट आई थी मारपीट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पा करके मैं यहाँ पर तुरंत आया क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति होने के नाते लोगों ने मुझे बताया और मैं यहाँ पर आ करके लोगों से मिलने की कोशिश किया। उस समय वो लाश यहाँ पर अतरौलिया आ नहीं पाई थी, बस यहाँ आ नहीं पाई थी, तो मैंने उन लोगों से बात किया तो कहें कि लगभग 7:30-8 बजे के लगभग लाश आ जाएगी। तो यहाँ के लोग क्षुब्ध थे प्रशासन की कार्रवाइयों से, तो हमने बात किया, संबंधित लाश को थाने पर लेकर के गए और उसके बाद जो है पुलिस महकमे के लोगों से बात की गई। वहाँ से यशो साहब ने हम लोगों को अपने वार्ता से संतुष्ट किया कि देखिए संबंधित मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, लेकिन अब टर्म कंडीशन ये है कि इस समय अमुक व्यक्ति की डेथ हो गई है तो अब सीन यहाँ पर बदल चुकी है, लेकिन हम आश्वासन देते हैं आपको जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। 4 लोगों को नामजद था, चारों में से 3 गिरफ्तारी हो गई, 1 के खिलाफ NBW हुआ है और अगर ये लोग चाहते हैं, वादी अगर चाहता है किसी का नाम बढ़ाना, 2 लोगों का अज्ञात भी था, अगर अन्य लोगों का भी नाम अगर वो बढ़ाना चाहते तो हम बढ़ाएंगे जितना हो सकेगा। ये मृतक परिवार जो विक्टिम परिवार है
जो इस समय पीड़ा के अवसाद से ग्रसित है उसको पूर्ण रूप से क्या नाम है प्रशासन द्वारा उनको मदद की जाएगी। और मुझसे बोले कि आप वहाँ पर जा करके घटनाक्रम में किसी प्रकार का उस तरह का कोई सरकारी क्षतिग्रस्त ना हो और जो मतलब वादी प्रतिवादी के बीच में फिर किसी प्रकार का मारपीट ना होने पाए, इसलिए थोड़ा सा आप जा करके नज़रें बनाए रखिएगा। तो मैं सुबह में आ गया और उसके बाद जो है थोड़ी सी कुछ कहाँ सुनी के बाद जो है प्रशासन के लोग आए, SO आए, CO साहब आए, SDM साहब आए, सारे लोग इन मृतक परिवार को कहीं कहीं से असंतुष्टि थी कि वो लोग आए हमको आश्वासन दे, क्योंकि वो राजस्व संबंधित मामला था, ज़मीनी विवाद था गलियार रास्ते को लेकर के, और उन लोगों ने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित सापेक्ष जो दंड के भागी हैं उस अपराध के सापेक्ष उनको दंडित किया जाएगा और संबंधित विभिन्न संलग्न करके धाराओं में उनको जेल भेजा जाएगा, फिर सारे लोगों सम्रांत व्यक्तियों के समक्ष वार्ता के फलस्वरूप इस बात का निस्तारण हुआ कि अब जो है मतलब लाश को डिस्पोज किया जाए। फलस्वरूप सारे लोग घर परिवार के लोग उनके नाते रिश्तेदार निर्णय लिए, अंतिम निर्णय हुआ कि मामले को ख़त्म किया जाए और फिर लाश जो है डिस्पोज होने के लिए चली गई और सारे लोग मतलब हम लोगों को इस कार्रवाई से लोग संतुष्ट हैं, इनके परिवार वाले कार्रवाई से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, तभी प्रशासन को मतलब उन्होंने रिलीज किया, प्रशासन आश्वासन दिया। ठीक, आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के धरपकड़ अभियान के तहत आज पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दर्जनों अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। सिलसिलेवार आपको बात बताएंगे, जिसमें बताएंगे कि थाना निदारगंज पुलिस ने अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त गोविंद पुत्र विजय राजभर राम सुरहन कोटिया थाना निदारगंज आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो जिनपुर पुलिस ने किशोर को भगाने वाले अभियुक्त नयम अंसारी उर्फ नगू पुत्र शफीक मुल्ला मोहल्ला राजे जीपुरम थाना धनिया का पुलिस अपना कॉलोनी थाना ताल कटोरा जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया है। तो वही पवई पुलिस ने हत्यारोपी की दो अभियुक्त जिसमें जयहिंद और शशिकांत को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो देवगांव पुलिस ने भी गैंग अटैक में वांछित चार अभियुक्त जिसमें नसीम अहमद पुत्र रियाज उर्फ नियाज, मोहम्मद आकिब पुत्र नसीम, मकसूद अहमद पुत्र नियाज, मोहम्मद साजिद पुत्र सगीर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो ही महाराजगंज पुलिस ने भी लूट के एक वांछित सह अभियुक्त विक्रम सिंह पुत्र अरविंद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और सिधारी पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त विजय सिंह पुत्र महाजीत सिंह साकिन अइनिया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। स्कॉर्पियो वाहन सीज किया है। तो इस रायमेर पुलिस ने दुष्कर्म में वांछित अभियुक्त सतीश चौहान पुत्र तिलकु चौहान निवासी सुरई बुजुर्ग थाना सरायमेर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ शहर के रैदेपुर कॉलोनी में सावन के आखिर सोमवार को मुक्तेश्वर महादेव की स्थापना ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान व मंत्रोच्चार के साथ की गई। ब्राह्मणों ने यजमान मयंक अग्रवाल व उनकी धर्मपत्नी गरिमा के हाथों पूजा संपन्न कराया। बता दें कि टाइप कॉलोनी में वर्षों से निजी वृक्ष के नीचे एक शिव की पिंडी पड़ी हुई थी, उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा था। शहर निवासी मयंक अग्रवाल जो परिवार सहित रैदेपुर कॉलोनी में रहते हैं और अपनी पत्नी गरिमा अग्रवाल के साथ शिव की पिंडी के ऊपर एक मंदिर का रूप दिया और वाराणसी से नर्देश्वर महादेव की प्रतिमा को मांगाकर सोमवार को विधि विधान से स्थापित कराया। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण किया। मयंक अग्रवाल ने कहा कि काफ़ी दिनों से इस पेड़ के नीचे एक पिंडिया अपेक्षित थी। हमारी पत्नी की इच्छा थी कि वाराणसी में मुक्तेश्वर महादेव को लाकर की स्थापना की जाए। आज हम लोग की इच्छा पूरा हुई और सावन के आखिरी सोमवार है और भोलनाथ ने हमारी पत्नी की इच्छा पूरी की। मयंक अग्रवाल ने कहा कि हमारे पुत्र का नाम मुकेश अग्रवाल है, इसलिए हम लोगों ने मुक्तेश्वर महादेव से की स्थापना किया है। आज हमारा वो हमारी धर्मपत्नी का सपना पूरा हो गया है। आज आप मुक्तेश्वर महादेव जी का जो मंदिर का जीर्णोद्धार कराए हैं या यहाँ पर स्थापना कराए हैं, जरा से बताइए कैसे क्या था पहले यहाँ पर? पहले यहाँ इस स्थान पर संक्षेप में शिव जी की एक पिंडी थी और चारों ओर खुला था और किसी प्रकार का कोई रखरखाव नहीं हो पाता था। तो प्रभु की इच्छा से यह मन में अभिलाषा आई कि इस स्थान को एक जो है पूर्णतया मंदिर का रूप दे करके अच्छे से इसका पूजा पाठ का आरंभ कराया जाए। इसी ऊपर वाले की प्रेरणा से हमने मुक्तेश्वर महादेव की स्थापना करवाई है ताकि यह स्थान रमणीय हो रहे और भक्ति भावना एवं पूजा के लिए उपयुक्त हो। और यह सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज श्री मुक्तेश्वर महादेव का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऊपर वाले की कृपा से और भी इसकी वृद्धि होती रहे और भी यह स्थल जो है पावन रूप के जो है रूप में जाना जाता रहे। उनका नाम कैसे आपने मुक्तेश्वर? दरअसल हमारे सुपुत्र जी का नाम मुक्तेश है तो हमारे अंदर यह प्रेरणा आई कि जब हमारे सुपुत्र जी का नाम मुक्तेश है तो इस स्थान का नाम मुक्तेश से श्री मुक्तेश्वर महादेव हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक अग्रवाल।
आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना के बम्भौर में युवक को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस का कार्रवाई अभी तक नहीं कर सकी है, जबकि मामले में 5 लोगों पर FIR दर्ज है। युवक को प्रेम विवाह करने पर ससुराल वालों ने ही बुरी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसके चलते वह आज भी जिला अस्पताल में भर्ती होकर न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित अरशद निवासी मुबारकपुर के अनुसार उसके ससुराल में रिश्ते ससुराल असलम ने उस पर हमला कराया था। ससुराल वालों ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, जिसकी तारीख 16 अगस्त को पड़ी थी। कोर्ट से होकर हुआ घर लौट रहा था, तभी बम्भौर के पास उस पर बुरी तरीके से हमला किया गया। यह अस्पताल में पहुंची अरशद की पत्नी साहिबा ने भी अपने मायके वालों पर कई आरोप लगाए। सुनते हैं अरशद और उसकी पत्नी साहिबा ने क्या कुछ कहा। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मुबारकपुर। क्या हुआ सर? मेरा विवाद चल रहा था, मेरे ससुराल थे मोहम्मद असलम, मेरे ससुर मोहम्मद असलम दलाल के नाम से जानते हैं सब, असलम दलाल के। सर वो विवाद चल रहा था, हमको बुला रहे थे कि आप इधर उधर से कह रहे थे कि छोड़ दीजिए, तो हम बोले नहीं आप कोर्ट में आइए, जो बात करनी बात कर लीजिए। विदाई का मसला चल रहा था और हम फाइल मेरी एग्रीमेशन में थी, 22 को तारीख पड़ी थी और 16 को हम तारीख से वापस जा रहे थे। 2:15 बजे हमारे ऊपर बम्भौर से 100 मीटर पहले हमला करा दिया। क्या चाहते हैं सर? यही चाहते हैं जो ये सब हमला हुआ सर, गिरफ्तारी, इन सब न्याय और जी सर। कितने लोग? मोहम्मद असलम, साबिर, जाबिर, नुरैसा। नहीं सर, आप चाहते हैं गिरफ्तारी? जी सर, गिरफ्त को दिया जाए। क्या चाहते हैं जी सर? वो गलत हैं तो उनको ये वो, और हम गलत हैं तो हमको दिया जाए। सर हम जा रहे थे, अचानक हमला कराए और सब राममा लिए हुए थे सर, राड लिए हुए थे और एक बाइक पकड़ी गई है, 2 उनके हाथ में पिस्टल भी थी उनके हाथों में, ठीक है। और पुलिस जा रही थी रास्ते से, वो लोग पुलिस देख के भागे, अचानक बाइक पकड़ी गई थी उनकी, एक बाइक, एक रम्मा भी बरामद हुआ था। जी सर। क्या नाम है? साहिबा। आजमगढ़ की, बाजबहादुर की। क्या हुआ आपके पति साहब, और क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। हम लोग लव मैरिज शादी किए थे, फिर ये चले गए, इनके घर हम थे, इनके घर थे, फिर ये चले गए बाहर, फिर इनके घर से फिर हम चले गए थे अपने घर पे, फिर वहाँ पे मेरे घर वाले केस करवा दिए, फिर मेरे पेट में बच्चा था तो फिर वो उसको मार दिया गया, मार दिए उसको। फिर ये जब आए, फिर ये एग्जामिनेशन में फिर कागज़ दिए, देने के बाद फिर मेरे घर वाले नहीं ला रहे थे कोर्ट में, घर में जैसे कोर्ट में नहीं ला रहे थे, हम आना चाहते थे लेकिन आने नहीं दे रहे थे। तो फिर 16-22 तारीख को फैसला था, 16 तारीख को इनके ऊपर हमला करवा दिया गया। फिर आप कैसे आए? फिर हम जब सुने कि हाँ ये हॉस्पिटल में, तो अपने घर से सुन करके भाग करके आए। जी। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं और गिरफ्तारी। गिरफ्तारी चाहते हैं? जी। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक हुसैनगंज स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने की। वह मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर असादी उपस्थित रही। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों ने देश प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के साथ ही आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर चिंतन मंथन किया तथा पार्टी संगठन की समीक्षा की गई तथा पार्टी पदाधिकारियों के कार्यों का अवलोकन किया गया। इस मौके पर कई लोगों ने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की सदस्यता भी ग्रहण की और कई लोगों को पद दिए गए। बैठक में तय हुआ कि 4 अक्टूबर 2023 को पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और साथ ही पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए हर जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन, जनसंवाद की शुरुआत करेगी। तहसील जिला स्तर पर जनता की समस्या और जनहित के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी। मथुरा से खबर है, जहां आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान लाखों की शराब बरामद की गई है। थाना जयपुर पुलिस टीम और स्वाट टीम मथुरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर नयती हॉस्पिटल के पास लोहे के पुल के नीचे चेकिंग के दौरान एक कंटेनर जिसमें गोपनीय रूप से अवैध अंग्रेजी शराब छिपाकर तस्करी ले जा रही इस सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी करके धौलपुर से आ रही उक्त कंटेनर को हाथ देकर रुकवाया गया तो गाड़ी से उतरकर अभियुक्त शरद त्यागी और रिंकू त्यागी पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए मैनोट किसी धीरे से चमल की तरफ भागे। पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त शरद को गिरफ्तार कर लिया गया। आज रात जयपुर पुलिस और हमारी स्वाट टीम को यह सूचना मिली कि एक कंटेनर से कुछ अवैध चीज जा रही है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी किया गया जिसमें एक राजस्थान नंबर का कैंटर, जिसको रोकने का जब प्रयास हुआ तो उसमें से 2 व्यक्ति उतरकर भागने लगे और इस भागने में एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर किया गया जिसमें पुलिस ने घेराबंदी की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तथा दूसरे के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम दशरथ त्यागी है। कुल 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास जो कंटेनर था उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें 451 पेटी पंजाब मार्का दारू थी,
जिसे पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 40 लाख है। कंटेनर की कीमत भी 32 लाख के आसपास बताई जा रही है। बदमाशों के पास से एक अवैध पौनिया, खोखा कारतूस और कारतूस बरामद किया गया है। हमारी टीम के द्वारा ये एक आज रात अच्छा काम किया गया है, जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की गई है। अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और दशरथ त्यागी का पूर्व में 2017 में रिफाइनरी में भी इसी तरह का एक मुकदमा मिला है और उसके जो आपराधिक गतिविधि है और इतिहास है उसकी जानकारी राजस्थान से की जा रही है। सर बात की जाए तो कब से तस्करी कर रहे थे ये लोग? रिफाइनरी में 2017 में दशरथ त्यागी पर मुकदमा है, इसका मतलब कि ये पूर्व से तस्करी में इन्वॉल्व है। मथुरा से खबर है जहाँ देश की सीमा पर रक्षा में तैनात जवानों के लिए रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र राखियां लेकर वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की बेटिया इस बार अटारी बॉर्डर आ जाने वाली हैं, जिसके लिए आज वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में रक्षा सूत्र एकत्र कार्यक्रम आयोजित हुई। इसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, मेजर जनरल विक्रम सिंह, ब्रिगेडियर SS बिगुल और वात्सल्य ग्राम की संस्थापक दीदी माँ साध्वी रीतंभरा व यहाँ पर कार्यक्रम शामिल हुई, जहाँ पर यहाँ के मासूम छात्राओं ने यहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर देशभक्ति के गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जहां उन्हें देखकर आर्मी के अधिकारी भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए, क्योंकि यहां पर आज उन सैनिकों के लिए रक्षा सूत्र एकत्र किए जा रहे थे जो कि अपने परिवार से दूर रहकर बॉर्डर पर देश सेवा करते हैं और जो रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपनी बहनों से दूर रहते हैं, जिसके बाद जब ये राखियाँ उनके हाथों पर वात्सल्य की बेटियाँ बांधती हैं तो उनके चेहरे पर जो भाव होते हैं वाकई में देश की सेवा में भरपूर होते हैं, उन्हें नया उत्साह मिलता है। जिस तरह से आज यहाँ आए बॉर्डर पर राखियाँ जा रही हैं जो फौजी भाई बहनों से दूर होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? आज तक पिछले 33-34 साल हम उधर रिसीव करते रहे हैं, पहले राखियाँ हमारे पास आती थी, आज एक मौका मिला है यहाँ से किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत से राखी बना के और किस निष्ठा के साथ वो भेज रहे हैं, तो एक बहुत सम्मान की बात है कि इस कार्य में हमारा भी थोड़ा सा हमें भी मौका मिला उनके साथ चलने का, और बहुत नोबल कॉज है। और दूसरा बहुत अच्छा लगा गुरुकुलम में आके, क्योंकि संस्कृति से जुड़ा हुआ ये गुरुकुलम है। जब तक परिवार के लोग दूर होते हैं तो हार होता है, उस समय सेना के लोगों को कैसा लगता है और इस समय जब कोई दूसरा और अपना बन के पहुँच जाए? वो आपके वीडियो में भी जैसे दिखाया, वो बहुत सेंटिमेंटल समय होता है, आँखों से नमी आ जाती है। आज उसको देख के और बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया उसी को देख के आंखों में नमी आ गई, तो आप इमेजिन करिए जो परिवार से दूर बैठे हैं उनके पास जब राखी पहुंचती है, जिस श्रद्धा भाव से राखी पहुंचती है, तो अगर ऐसा ही जज्बा हमारे देश में रहा तो कोई दुश्मन नहीं हमारे सामने टिक सकता। कहेंगे जब बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक खड़े हैं उनके लिए रक्षाबंधन के लिए यहाँ से राखी जाने वाली है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो बॉर्डर पे एक सैनिक जब जाता है तो ट्रेनिंग के बाद वो प्रतिज्ञाबद्ध होता है कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, और ऐसा करने के लिए उसको भले ही जल थल नभ के किसी भी तरीके से अगर जाना हो, किसी भी दुर्गम स्थान पर जाना हो और तैनात रहना पड़े रात भर दिन भर, और तो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभाता है, उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए कि जो वो योगदान कर रहा है देश की अखंडता संप्रभुता बनाए रखने के लिए, उसकी जो जो वो सेक्रीफाइस दे रहा है उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, उसकी सराहना की जा सकती है। और जब ये रक्षा राज सूत्र बंद की जो यात्रा में जो छात्राएं जाती हैं जाएंगी वहाँ, और जब उनके ये राखी बांधेंगी, जबकि उनकी बहनें पीछे गांव में हैं, तो जो फीलिंग उनमें आएगी तो उससे उनको उनका उत्साह बढ़ेगा। तो ये ना ही केवल उनके योगदान की सराहना वाला एक कार्य है, साथ ही साथ देश की जो सिक्योरिटी को और सुदृढ़ करने का कार्य है, क्योंकि इससे तमाम सैनिक और मुस्तैदी से वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो योगदान है देश की अखंडता बनाए रखने के लिए उसका देश सराहना कर रहा है और उसकी जो मूल्य है उसको समझ रहा है। आप सब सेना में हैं, सेना सैनिक जी, जो सैनिक वहाँ पे उनकी बहनें नहीं जा पाती, ऐसे में यहाँ से राखी जाती है, उस समय उनको क्या मन में भाव आता है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं भी ऐसे ऐसे स्थान पर रहा हूँ जबकि मतलब मेरे को 35 साल से ऊपर हो गया देश की सेवा करते हुए, और मेरे ख्याल से 35 साल में
चार पाँच साल ऐसे हुए होंगे जिसमें मैं अपनी बहनों के साथ रहा, जबकि उनसे डायरेक्टली राखी बंधवाई। ऐसे में अगर ये छात्र छात्राएं जब वहाँ जाएं और उनके हाथ में जब राखी बांधेंगी तो उनको जो अपनी जो परिवार की कमी है वो नहीं महसूस हो, क्योंकि चिट्ठी से तो राखी आ गई पर हम एक दूसरे से बंधवाएं या खुद ही बांध लें, उससे बेहतर है कि जो बच्चे वहाँ जाएं और अपने, आपने देखा कितने उत्साह से इन्होंने ये पूरा जो कार्यक्रम किया कि तिरंगा पूरा फैला दिया उन्होंने, और इसी भावना से जब वो जाएंगे और ये राखी बांधेंगी तो उनको अपने परिवार की याद नहीं आएगी और वो एकदम जो एक दोबारा से एनर्जाइज होकर जिस तरीके से वो काम करेंगे उस तरीके से करेंगे। तो एक बहुत बड़ा, और 2006 से अगर ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा दीदी माँ के आशीर्वाद से, तो बहुत बढ़िया काम है। एंड मेरे ख्याल से और स्कूलों को ये मुहिम चलानी चाहिए, जैसे कि जो भी हम योगदान कर रहा है सैनिक उसका सराहना होती रहे, उसको यही चाहिए। जैसे पीछे पहले किसी ने कहा कि कलाकार को क्या चाहिए, ताली चाहिए, एक देश के सैनिक को क्या चाहिए, उसको ये चाहिए कि पूरा नागरिक ऐसे हों जिसके लिए जान देने का मन करे। सो ये मैसेज जाता है और बहुत अच्छा मैसेज है। दीदी माँ जो बॉर्डर पे सैनिक हैं उनकी बहनें उनसे दूर होती हैं, ऐसे में यहाँ की बेटियाँ जाकर के राखी बांधती हैं, कैसा उस समय मन में लगता है, कैसे ये विचार आया कि वहाँ तक जाना चाहिए? अरे भैया, हमने देखा कि बॉर्डर पे खड़े सैनिकों की आँखों से आंसू बहने लगते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो बेटियाँ वहाँ जाती हैं, फिर उनके पास चिट्ठियाँ भी आती हैं और जब उनको छुट्टी होती है तो वो लोग वात्सल्य ग्राम भी आते हैं, इसलिए वात्सल्य ग्राम तो भाव संबंधों की धरती है और ये किसी बाउंड्री के में तो बांधी नहीं जा सकती, वात्सल्य तो असीम है, प्रेम भी असीम होता है। और फिर सैनिक वो जो हर त्यौहार पे ना बहुत अच्छा महसूस नहीं करता, उसे अपनों की याद आती है और वो व्याकुल भी करती है, और उस नाजुक क्षण में जब ये पुत्रियाँ रक्षा सूत्र लेके जाती हैं तो उनको बहुत गहरा आनंद होता है। तो मैं समझती हूँ राष्ट्रहित सर्वोपरि है और हमारे देश का सैनिक, वैज्ञानिक और हमारे देश का किसान हमारे हृदय में बसता है और हम भावों में बहुत जीते हैं, पर उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जब मैंने ये संकल्प किया, अब तो जगह जगह राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्राएं निकलती हैं, हर बॉर्डर पर समाज जाता है और ये बहुत सुंदर है। अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अगर ज्योत बुझ जाए ना तो उसे चिंगारी की ज़रूरत होती है, और ये वो प्रेरणा के क्षण होते हैं जब हमारा अंतर्मन प्रेरित होता है और हमें लगता है हमें देश के लिए कुछ करना है। कितनी बेटियां कितनी राखी लेकर आती हैं? अब ये तो संबित इसके आंकड़े बताएगा, मुझे इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत सारी बेटियां जा रही हैं। मैंने कहा कि जो हमारे देश में आज के 5000 वर्ष पहले गुरुकुलम व्यवस्था थी वो प्राय लुप्त हो गई, आज उसके पुनरुत्थान के लिए उज दीदी माँ रितम्बरा जी ने जो सम्मिलित गुरुकुलम के द्वारा इस पद्धति को प्रारंभ किया है, मैं ये कह सकता हूँ ये अद्वितीय कार्य है, अविस्मरणीय कार्य है। ऐसा लगता है कि जो कार्य सम्मिलित गुरुकुलम में पूज दीदी माँ के द्वारा किया जा रहा है, मुझे अवसर मिला है बहुत देश में जाने का, लेकिन ऐसा द्वितीय कार्य मानव सेवा के लिए मैंने कहीं दूसरे स्थान पर नहीं देखा है। देखिए, जो हमारी रक्षा के लिए सेना का जवान खड़ा है बॉर्डर पे, वो किसी धर्म, जाति और क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान की प्रत्येक बहन उसकी बहन है, प्रत्येक माँ उसकी माँ है, इसलिए हमारा भी ये पुनीत कर्तव्य होता है एक हम उन भाइयों को जाके हम हिम्मत बढ़ाएं, साहस बढ़ाएं और हमारी बहनें उन्हें वहाँ जाके रक्षा सूत्र बांधें। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन आजमगढ़ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविंद जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, विशिष्ट अतिथि सुदर्शन दास अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल,
हितकारिणी ट्रस्ट, अभिषेक अग्रवाल मंडल अध्यक्ष व कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष अतुल कुमार अग्रवाल, मुन्ना बाबू, गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने महालक्ष्मी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रतिनिधित्व के निर्देशन में मंडल के अध्यक्ष विवेक अग्रवाल द्वारा मनोनीत जिला इकाई व जिला महिला इकाई के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। महिला इकाई की नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष शिल्पी अग्रवाल ने अपने संबोधन में प्रदेश व मंडल के अध्यक्षों का आभार प्रकट करते हुए विश्वास दिलाया कि वैश्य समाज की महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में संगठन से जोड़ने का काम किया जाएगा एवं वैश्य समाज की महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या से निजात दिलाने के लिए संगठन के माध्यम से पूरा प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के विशेष अतिथि सुदर्शन दास अग्रवाल ने संगठन के विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि संगठन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। जिला इकाई के उपाध्यक्ष गजेंद्र कुमार वर्मा ने अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष विवेक अग्रवाल को सौंपी गई है दी गई है उस पर मैं खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। आज मुझको बहुत खुशी हो रही है, अखिल भारतीय वैश्य समाज का आज महासम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें आज वैश्य समाज ने इस कार्यक्रम में शिल्पा कुमार अग्रहरी जी को विजय कुमार अग्रहरी जी को जिला अध्यक्ष बनाया है और श्री राजेश अग्रवाल जी को रंगजी अग्रवाल जी को उपाध्यक्ष बनाया है और तमाम पदाधिकारी इसमें हैं और महिला टीम में शिल्पी अग्रवाल जी जिला अध्यक्ष महिला टीम से बनाई गई हैं और ये कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह का था, उसमें सारे लोग उपस्थित हुए, वैश्य समाज के लोग आज शपथ भी लिए, वैश्य समाज की इसे ऊंचाई पे जाए, वैश्य समाज मुख्यधारा में कैसे जुड़े, राजनीति में कैसे आगे बढ़े, ऐसा कार्यक्रम आज आयोजित था, उसमें मैं आज उपस्थित हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आप अभी देखिए उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज मुख्य धारा में है, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में, दोनों में हमारी वैश्य समाज के लोग सरकार में भी मंत्रिमंडल में हैं, विधानसभा में भी भेजे जाते हैं और संगठन में भी वैश्य समाज, जैसे हमारे बीच में भी अरविंद जायसवाल जी बैठे हैं, ये प्रदेश क्षेत्र में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो हम लोग संगठन और सरकार में वैश्य समाज को मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी लेके चलते हैं। आजमगढ़ रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि वैश्य समाज का आज से लेकर के कभी भी हमेशा समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को और लगातार अभी उपचुनाव हुआ, आप देखें दिनेश लाल निरहुआ चुनाव लड़ रहे थे, वैश्य समाज सड़कों पर उतर करके प्रचंड बहुमत से जिता करके सदन में भेजने का काम किया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे भोजपुरी गायक कमलेश यादव, ग्राम श्रीकांतपुर थाना मेरी ने जमाबाद ने अपने ही गांव के एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे गांव में एक पंचम सोनकर पुत्र चुन्नूलाल सोनकर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो हमारी छवि को धूमिल करने के लिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, पैसे की रिमांड उनसे उनके द्वारा की जाती है और न देने पर जान माल की धमकी दी जाती है और फर्जी एसटीएसटी के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है, जिसकी सूचना में अपने स्थानीय थाना नहीं जवाब बाद में, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई। हमें डर है कि हमें एक सीधे साधे गायक कलाकार हैं और हमें लोग दबंग किस्म के लोग हैं, मामले को संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जाँच कर हमें न्याय देने की दिलाने की कृपा करें। इस तरह के आरोपों के साथ कमलेश यादव जो भोजपुरी गायक हैं एसपी कार्यालय पहुँचे हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? हम भोजपुरी कलाकार कमलेश लाल यादव, हम एक सिंगर हैं और हमारे साथ बहुत ही गलत किया जा रहा है और जिस झगड़े में हम इन्वॉल्व नहीं हैं उस झगड़े में हमें ज़बरदस्ती हमारा नाम देके हमें थाने पर बिठाया गया और हालांकि हमें थाने की तरफ से कोई टार्चर नहीं, कोई शिकायत नहीं है हमारे दरोगा जी के ऊपर, हमारे सिपाही के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग हमारे साथ खड़े थे। और क्या मामला था? मामला ये था कि आपस में झगड़ा हुआ था पैसे को लेकर, हमारे गांव के पंचम जो पंचम सोनकर हैं वो दूधनाथ यादव से पैसा मांगे। क्या है पंचम सोनकर? पंचम सोनकर प्रधान हैं और थोड़ा सा उनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, वो कई बार उनके वो कई धाराओं में वो जेल भी जा चुके हैं और हम दूधनाथ यादव जो हैं वो जा रहे थे, उनसे 500 रुपया मांगा गया और ना देने पर उनके साथ मारपीट झगड़ा हुआ, ये सब हुआ, उसमें हम कुछ नहीं जानते ना, वहाँ पे मौके की जांच करवा लीजिए आप लोग, हम वहाँ थे भी नहीं झगड़े में। और ये मामला 21 तारीख का है, 21 तारीख के बाद वो लोग 151 के धारा में जो है कि उनकी जमानत हो गई सारे लोगों की, सब लोग अपने घर चले गए, उसके बाद हम थे नहीं घर पे, हम बनारस में रहते हैं, हम एक गायक हैं, हम गायकी करते हैं, हमारी छवि को
खराब करने की कोशिश की जा रही है। और हम बनारस से हारमोनियम ले के अपने हारमोनियम के साथ, अपने बाजे के साथ, अपना बैग के साथ हम घर आए और उसके बाद हमें डायरेक्ट पुलिस आई और बोली कि आपके नाम से FIR है। हम बोले किस चीज़ का, बोले ऐसा ऐसा है, जबकि हम बोले हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अगर इस चीज़ के लिए हम यहाँ अपने कप्तान साहब के पास भी अपनी अपील दर्ज किए हैं और हम अपने इसकी शिकायत आप कहीं किए थे थाने होने पे? थाने पे हम किए हैं शिकायत। हाँ। थाने में हम पहले नहीं शिकायत किए, डायरेक्ट हमारे घर पे पुलिस आई और बोली आपका नाम है, आप उनके घर पे जाके गाली गलौज की हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हम निर्दोष हैं, हमारे किसी भी हमारे परिवार हमारा साथ है, हमारे परिवार में आप लोग इंक्वायरी करा सकते हैं, हमारे गांव में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं हमें न्याय मिले, हमें ज़बरदस्ती ST और SC की धारा लगा के जेल भिजवाने की धमकियां दी जा रही हैं पंचम सोनकर और उनके भाई खिचड़ू सोनकर की तरफ से, और हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत इस समय टेंशन में चल रहे हैं, और ज़रूरत हुई तो हम दिनेश भैया से भी मिले थे, हमारे यहाँ के सांसद हैं और हम लोग के मुख्य हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, हम एक कलाकार हैं, कलाकार के लिए जरूर सच्चाई के साथ वो खड़े होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है हमारे। सावन मास के चतुर्थी एवं अंतिम रविवार को बाबा भवरनाथ जी महाराज का हुआ शिव परिवार के रूप में एवं 56 भवों के द्वारा हुआ भव्य श्रृंगार। हर रविवार की भांति इस रविवार को भी बाबा का जलाभिषेक कर बाबा को दूध दही घी मधु शक्कर गन्ने का रस आदि स्नान कराया गया। उसके बाद बाबा का शिव परिवार के रूप में महादेव शिव माता पार्वती प्रभु गणेश जी और कार्तिक जी के रूप में सजाया गया। उसके बाद 56 प्रकार के विभिन्न प्रकार के मिठाई मेवा फल फूल आदि से सजाया गया। उसके बाद बाबा की शयन आरती हुआ। मंदिर परिसर में आए हुए तमाम भक्त बाबा का सपरिवार दर्शन कर मुख सुख समृद्धि की कामना की। श्रृंगारकर्ता परमेश गुप्ता, नीरज विश्वकर्मा, मनीष आशीष, प्रवीण संतोष, राकेश आरती, अर्पित सुमन, शुभम नमन, मकरंद सिंह आदि उपस्थित थे। श्रवण मास के आखिरी सोमवार आस्था से सराबोर हुआ प्राचीन शिवालय। बता दें कि नगर पंचायत के कैलेश्वर धाम मंदिर पर आज सोमवार सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लग रही। सावन का आखिरी सोमवार होने की वजह से शिव भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। सुबह 4 बजे से ही मंदिर परिसर में महिलाओं लड़कियों समेत पुरुषों की भारी भीड़ लगी रही। सभी लोगों ने प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। पूरे मंदिर परिसर में घंटा घड़ियाल की आवाज़ तथा हर हर महादेव की आवाज़ गूंजती रही। बता दें कि प्राचीन कैलेश्वर धाम मंदिर द्वापर युग का मंदिर माना जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ पुराना बटवृक्ष तथा बटवृक्ष के नीचे स्वयंभू शिवलिंग है जो अपनी आप धरती से प्रकट हुए हैं। इसी मान्यता के अनुसार क्षेत्र के लोगों को भारी भीड़ लगी रहती है। श्रावण मास में यहाँ मेले जैसा नज़ारा देखने को मिलता है। पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा रहता है। यहाँ कांवड़ यात्रा के दौरान दूर दूर से आए कांवड़िया भी स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। मान्यताओं के अनुसार राम जानकी तथा हनुमान का प्राचीन मंदिर है जो द्वापर युग का माना जाता है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा सदियों पुरानी है जो अभी भी चली आ रही है। नगर पंचायत से स्थित इस विशालकाय मंदिर परिसर में तरह तरह के वृक्ष भी लगाए गए हैं जिससे यहाँ वातावरण भी काफ़ी शुद्ध रहता है और दूर दूर से लोग आकर यहाँ अपने मन को शांत करते हैं। मान्यता यह भी है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मुरादें अवश्य पूरी होती है। पूरे श्रावण मास में जलाभिषेक करने वालों की भारी भीड़ लगी रहती है। आज आखिरी सोमवार होने के नाते पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से महिला व पुलिसकर्मी सुरक्षा की जिम्मेदारी में लगे रहे। आइए सुनते हैं कि मंदिर के पुजारी दिलीप दास महाराज जी और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। परिचय देते हुए बताइएगा कि इस मंदिर का क्या महत्व है, क्यों इतनी भीड़ होती है, सावन का प्रथम सोमवार भी है आज। ये कैलेश्वर धाम का जो है मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है और द्वापर युगीन है। बाहर बरगद का पेड़ है, द्वापर युग से चला आ रहा है और उसके नीचे शिव जी विराजमान हैं, स्वयंभू हैं ये। और प्रतिवर्ष सावन के मास में यहाँ पर बहुत अपार मात्रा में लोग आते हैं और शिव जी को जलाभिषेक रुद्राभिषेक करते हैं। सावन के माह में कांवरिया के लोग भी आते हैं और जल चढ़ाते हैं यहाँ पर बहुत, और लोग अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ति करते हैं। शिव जी की अपार कृपा होती है और लोगों की कामनाएं भी पूरी होती हैं। जैसे ऐसी मानता है कि यहाँ गुरु शिष्य परंपरा की जो है निर्माण हो रहा है, आप कौथे शिष्य हैं और अब तक जो परंपराएं चलती आ रही कैसे निर्माण हो रहा है? गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं और वे जीवन पर्यंत यहाँ रह करके सेवा करते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और इसी प्रकार भजन करते हुए अपना जीवन यापन करते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं। यहाँ पर ये परंपरा चलती आ रही है बहुत कई जो है कि शताब्दी जो है बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। सब जैसे सावन का प्रथम सोमवार है, लगभग सुबह से कितनी बजे मंदिर परिसर खोला, कितनी भीड़ थी आज? 4 बजे से लोगों का आना शुरू हो गया था और तब से लेकर के अभी तक आप देख रहे हैं कि आना जाना भी लोगों बना हुआ है
और जल चढ़ रहा है शिव जी को, और लोगों में बहुत ही उमंग है, श्रद्धा है, और देखकर बहुत अच्छा लगता है। क्या यहाँ आने वाले सभी लोगों की मनोकामना पूरी होती है? शिव जी की सबकी इच्छा पूरी करने वाले, क्योंकि सबके हृदय में शिव जी विराजमान हैं, तो अवश्य पूरा करते हैं शिव जी। आज सावन का सोमवार का आखिरी दिन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि भक्तों का तादाद बड़ा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग ऐसे देश में हम लोगों का जन्म हुआ है कि हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि ऐसे देश में हमें जन्म लेने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जहाँ तक बात रही सावन महीने का, आज लास्ट सोमवार है, जिससे हर मंदिर पे, हर देवस्थल पे भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि देश में हमारे जितने भी भाई बंधु, माताएं बहनें हैं, इसी तरह श्रद्धा, अपना श्रद्धा को अपने बढ़ाते हुए भगवान के चरणों में जल समर्पित करें, अपनी मन्नत को पूरी करें, मांगे भगवान से, अपनी मन्नत को मांगे। और एक हमारे यहाँ, हमारे नज़दीक मेत्रोलिया मार्केट के बगल में कैलिया स्थान, आज मैं गया था, बहुत भीड़ थी, वहाँ देख के बड़ा अच्छा लगा। भोले बाबा सब पे कृपा बनाए रखें। जैसा देखा जा रहा है वहाँ पे काफ़ी भीड़ है कैलिया स्थान पे, इतना ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है कि सावन का आज आखिरी सोमवार है, क्या मनौतियाँ इसके बारे में बताइए। देखिए, मनौतियों के बारे में कहा जाए तो बहुत लोगों की बहुत सारी, बहुत तरह की मनौतियाँ हैं। कोई अपने लड़के के लिए नौकरी की मनौती करता है, किसी को लड़का नहीं हो रहा है, वो उसके लिए करता है, नौकरी के लिए करता है, कोई बीमार है उसके लिए करता है। तो मनौती की बात अब हम लोग कहें तो भाई, अब किसके मन में क्या है, जिसको जिस चीज़ समस्या है उस समस्या का समाधान को लेकर के भगवान भोले बाबा के चरणों में जाता है हाथ जोड़ करके। और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि भोले बाबा सबको सुखी रखें, और पूरे देश, पूरे समाज, पूरे परिवार को मेरी तरफ से भगवान को बहुत बहुत विनती है भगवान से कि सबको सुखी रखें। जय भोलेनाथ। बम्बई। आजमगढ़ शहर सहित पूरे जिले में सावन के आखिरी सोमवार को शिवालयों पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुस्तैद रही। बता दें कि सावन के आखिरी सोमवार पर शहर के प्रसिद्ध शिवालयों भवरनाथ मंदिर, गौरीशंकर घाट मंदिर, पुराने कोतवाली शिव मंदिर सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिवभक्तों का मेला देखने को मिला। भोर से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुँचने लगे। जलाभिषेक के लिए शहर से लेकर गाँव तक के शिव मंदिर में भक्तों की कतार देखने को मिली। भक्तों का तांता लगा हुआ है। जलाभिषेक करने वाले भक्तों के शिव मंदिर आने का सिलसिला जारी है। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में युवा भक्तों ने जलाभिषेक के बाद जमकर सेल्फी ली। मंदिर परिसर में गायक कलाकारों ने भक्ति गीतों के माध्यम से शिवभक्तों में जोश भरने का काम किया, तो वही भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि भगवान शिव का महीना माने जाने वाले सावन के आखिरी अधिक मास के सोमवार को देखते हुए शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही। भोले भक्तों ने भगवान शिव का दूध व जल से अभिषेक कर मंगल कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव का उद्घोष गूंजता रहा। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार यादव। अच्छा, आज सावन का लास्ट सोमवार रहा और दो महीना लगातार सावन रहा, किस तरह से आप लोगों ने पूजा पाठ किया? पहले तो पूरे शहरवासियों को सावन के आखिरी सोमवार का बहुत 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 बधाई हो। और आखिरी सोमवार मंदिर में बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, हम लोगों ने भी दर्शन पूजन किया, भगवान भोलेनाथ से समृद्धि की, देश आगे बढ़े इसकी तमन्ना लेकर हम लोग अभी पूजा पाठ करके निकले हैं। धन्यवाद। जय।